अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? और ब्लॉग भी ठीक ठाक है। आज आपको बहुत ज़बरदस्त बिहारी स्टाइल में काले चने स्पेशल रमजान स्पेशल बनाना बताऊंगी। काले चने किस तरह बनाए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो चले स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑयल ले लिया पतीली में 2 टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सा जीरा लूँगी ताकि जीरे का अच्छा सा जायका आ जाए चनों में। और 1 तेज़पत्ता डाल दूँगी, उसको जो है थोड़ा सा कड़कड़ाना है, चटकने की आवाज़ आने लगेगी। तो आगे क्या करना है बताती हूँ मैं। इसे जब आप काले चने बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से बनेंगे, बिल्कुल कलेजी जैसा टेस्ट देंगे, बहुत मज़ेदार से होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही मसालेदार होंगे, लतपते से होंगे, पूरे मसाले चने पे चिपके हुए होंगे। और ये मैंने चटकने की आवाज़ आने लगी। अब इसमें जो है मैं डाल दूँगी थोड़े से हींग डालूँगी, हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इसे जायका ही ज़बरदस्त। हींग डाल दी इसमें मैंने, सही है। अब जो है कुछ ज़्यादा जलाना नहीं है, इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सोते करना है। सोते करने से ही इसका अच्छा जायका मसाला बनेगा, वरना मसाला नहीं बनेगा। और जब मसाला नहीं बनेगा मुंह में खड़ी खड़ी प्याज आएगी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसका मसाला बनाने के लिए हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, प्याज को गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सोते करना है, ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए। ये कलर ट्रांसलूसेंट होने लगा है, अब इसमें चने शामिल कर देंगे। साथ ही जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, टमाटर जाएगा, एज पर टेस्ट नमक जाएगा, साथ में हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, बल्कि 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, और काली मिर्च पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। इस सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। सही है, अच्छी तरह से भून लेंगे चने को ऑयल के साथ। बहुत ज़बरदस्त बिहारी स्टाइल चने बनेंगे जो रमज़ानों में खाए जाते हैं। बिहारियों की ये भी ट्रेडिशनल डिश होती है रमज़ानों में, ख़ास तौर पे वैसे तो हर कोई खाते हैं रमज़ान में, मगर इस तरीके से बनाया जाता है। और एक तरीका ये भी होता है कि हम खड़ी खड़ी प्याज डाल देते हैं उसमें, और मैंने जो ओवरनाइट सॉफ्ट करके रखा होता है चनों को मैंने सोडा डाल के, तो फिर ये फूल गए हैं चने। इसके बाद हमने इसको जो है पानी से धो लिया है, रिंस कर लिया है, धो लिया है, वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, चनों को फिर शामिल किया चनों को। सही है, सोडा लगे नहीं रहने देना है वरना जायका मीठा मीठा सा हो जाएगा। जीरा पाउडर भी डाल दिया है मैंने 1/4 टीस्पून, इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त डेवलप होगा। जीरा पाउडर नहीं है तो बना के ज़रूर डालिएगा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जीरा पाउडर ज़रूर डालना है, बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा जीरा पाउडर से। अब इसमें पानी शामिल करूँगी मैं, तकरीबन 2 गिलास भर के पानी शामिल कर दिया है मैंने। सही है, तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो ये 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, और अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं आम पतीली में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है 45 मिनट का टाइम दरकार होगा, 45 मिनट में रेडी होगा काले चने। सही है, तो अगर आप कुकर में बनाते हैं तो कुकर में आपको लगेंगे 15 मिनट, इनफ होते हैं 15 मिनट, ज़्यादा हमें हलवा नहीं करना चने को, और ये सही से गल भी जाएंगे। अब इसको मैं जो है हरी मिर्च डाल के ढक दूँगी, अब इसको ढक दूंगी मैं, और 15 मिनट के बाद मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड विद मी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी, क्या तब्दीली दरकार है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे, वो भी बताइएगा मुझसे, शेयर कीजिएगा बातें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अब मैं जो है इसको ढक के रख दूँगी कुकर को, कुकर मैंने ढक दिया है, 15 मिनट बाद मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड विद मी। व्यूअर्स, फ्लेम ऑफ किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं,
मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, मगर अभी फ़ौरन कुकर प्रेशर कुकर नहीं खोलूँगी क्योंकि अभी इसमें प्रेशर काफ़ी होगा तो आपको भाप लग सकती है, स्टीम लग सकती है। तो इसका चेक करने का तरीका ये होता है, आपकी जो खिली नज़र आ रही है ये कील आप प्रेस करके देखेंगे, कहीं दोबारा ऊपर आ जाती है, का मतलब है अभी प्रेशर कुकर नहीं खोलना है। ये देखिए प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर दोबारा आ रही है, इसका मतलब है नीचे प्रेशर है। अभी जब नीचे जब दब ना जाए तब तक इसको आप खोलिएगा। देखिए दबा रही हूँ तो ये दोबारा ऊपर आ रही है, का मतलब है प्रेशर है, अभी कुकर नहीं खोलना है। ठीक है व्यूअर्स, कुकर में हमें इसको जो है 20 मिनट लग गए हैं तकरीबन, तो अभी हमारे चने गल चुके हैं। अब इसके पानी को खुश करना है तो मैं दिखा देती हूँ कितने अच्छे तरीके से गले हैं, तो ऐसे ही गले होने चाहिए। ये देखें ऐसे गल रहे हैं, सही है। अब हम इसको अच्छी तरह का पानी खुश करेंगे, बहुत ज़बरदस्त है, बिहारी काले चने बनकर रेडी हो जाएंगे। तेज आंच में हमें इसको खुश करना है, मसाले अच्छी तरह के साथ भुन जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स पानी खुश होने लगा है चनों का, तो इसमें साथ में इमली का पल्प था तो थोड़ा सा पानी इमली का वो शामिल कर दूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त चटपटी से चने का ये सालन बनेगा, चने बनेंगे, सालन तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं खुश करके बनाऊंगी ये चने। तो इनको अच्छी तरह खुश कर लेना है पानी को, बिल्कुल बीच में पानी नहीं रहना चाहिए। फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगी, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी पता चल सके। तो इसके लिए ज़रूरी आप स्किप किए बगैर आगे बढ़ाए बगैर पूरी वीडियो वॉच किया कीजिए। कुकर में पानी खुश होने में थोड़ी देर लगेगी, इसको मैं दूसरी खुली पतीली में शिफ्ट कर दूंगी ताकि जल्दी से इसका पानी खुश हो जाए। तो खुली पतीली में शिफ्ट कर लेती हूँ इसको मैं, चनों को मैंने जो है कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया ताकि जल्दी से इसका पानी खुश हो जाए और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। इसको हमें चलाते भी रहना है साथ साथ जाके कि प्याज जो खड़ी खड़ी प्याज ना रहे, बिल्कुल भी टमाटर खड़े ना रहे, तो तभी मज़े का लगेगा, खड़े खड़े आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसको चलाते भी रहेंगे साथ साथ, वो घुल जाएगा चलाने की वजह से, और चने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि चना हमारा इतना ज़्यादा भी डर नहीं था कि वो हलवा बन जाए। तो इसको चलाते रहेंगे, आपको पानी को खुश कर लेंगे, पानी जो है खुश होने वाला है चनों का। तो अब हमने जो है दूसरी तरफ फ्राई पैन में जो है राई दाना ले लिया है, थोड़ा सा राई दाना है, थोड़ा जीरा लूंगी मैं इसमें और थोड़ा करी पत्ता, इससे बहुत ज़बरदस्त जो है जायका होगा, तड़का तैयार हो रहा है काले चनों का। पानी को बिल्कुल खुश कर लेना है ताकि चनों पे सारे मसाले लिपट जाएं बहुत अच्छी तरीके से, सही है, और ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए, इतना पानी खुश करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स मसाला जो है अलग हो रहा है, ऑयल अलग हो रहा है, हमारे चने अच्छी तरह से इसमें भून चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर हमें जो है बघाड़ लगाना है इसके ऊपर, तो बघाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, बिहारी स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त ये जायका देगा। तो ये बघार के लिए मैंने कड़ी पत्ता, राई दाना और जीरा ले लिया है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं कड़कड़ा के इसको बघार लगा दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स प्याज टमाटर बिल्कुल गायब हो गए, मसाला बन गया है पूरा, अब इसमें मैं जो है बघार लगा दूंगी। ये रेडी टू सर्व है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा बिहारी स्टाइल काले चने बनकर रेडी हो गए रमज़ान स्पेशल के। तो ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा ये चनों का सालन रेडी हो गया है बिहारी स्टाइल, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सा होता है, तो ये इसी तरीके से खाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा बिहारी स्टाइल जो है रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चों की गार्निशिंग होगी और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसमें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये यूनिक सा बनता है, मज़ेदार सा बिहारी स्टाइल।
तो ये लीजिए जबरदस्त बिहारी स्टाइल, चनों का सालन भी बनकर रेडी हो गया है। चना चनों का जो भी कहने घुगनी घुगनी है वो है, तो बनके रेडी हो गई है। बिहारी रमजान स्पेशल होता है ये, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ हम ये खाए जाते हैं इसके साथ चना चाट, जो मैंने आपको इसकी रेसिपी पिछली वीडियो में बता दी है, शेयर कर दी है मैंने इसकी रेसिपी भी। तो ये रमज़ान स्पेशल होता है, दोनों साथ खाते हैं, तो आप दोनों साथ मिला के भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जायका देगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर 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 इन दोनों को साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। तो बस आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए, और जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर उस जगह से जो खुश नेमतें अता करें, जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक उस जगह से खुश नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।